गाइस वेलकम बैक टू सरताज स्टोरीज एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में और आज का दिन बेहद खास है इस व्लॉग की तरह तो इसलिए मैंने सोचा कि उन्हें इस खास मोमेंट को कैप्चर किया जाए ब्लॉगिंग की जाए और आप सभी को इसका एक पार्ट बनाया जाए आज है मेरा इंटरव्यू और इसके लिए मैं रेडी भी हो गया हूँ देखो क्या सकाचक लग रहा हूँ अभी ब्लेजर डालना बाकी है तो मेरा जो इंटरव्यू है वो है योर स्टोरी के साथ जो कि एक जाना माना पोर्टल है और इस पोर्टल पर ना इनका भी एक यूट्यूब चैनल भी हाल ही में शुरू हुआ है जिस पर एक प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया है जिसका नाम है कलाकार प्राइवेट लिमिटेड और स्टार्टिंग में ही मैं इसका पार्ट बनने जा रहा हूं तो मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है और उससे ज्यादा बड़ी बात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि इस पोर्टल पर रतन टाटा जी का भी इंटरव्यू पड़ा हुआ है तो आप सोचिए कि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों का इंटरव्यू है तो वहाँ पर भी मेरा मेरी एक वीडियो होगी मेरा एक इंटरव्यू होगा तो मज़ेदार है तो इसलिए ये ब्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ हम निकलेंगे फिलहाल नोएडा के लिए क्योंकि नोएडा ऑफिस है, है और लास्ट मोमेंट मैं ये शूट कर रहा हूं आ, रास्ते में आपसे ढेर सारी बातें करते हुए चलूंगा और कोशिश करूंगा अगर वहां शूट अलाउड हुआ तो थोड़ा बहुत कर लेंगे नहीं तो कोई बात नहीं रास्ते में मैं और आप सारी करेंगे तो चलो डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं गाड़ी में और रास्ते का आनंद लेते हैं लो जी हम निकल पड़े हैं दिल्ली की धुएं भरी सड़कों के रास्ते नोएडा की ओर और, और जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक नया नया ब्लॉगर हूं इसलिए कुछ गलतियां करता रहता हूं माइक तो मैंने हाथ में ले लिया लेकिन इसका वायर में कैमरे से लगाना भूल गया इसलिए इस कार में रिकॉर्ड हुई सारी ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई फिलहाल मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूँ वॉइस ओवर के जरिए मुदसर भाई हैं इनकी गाड़ी है और ये मुझे लेके जा रहे हैं नोएडा और इन्होंने पेट्रोल के बदले मांगा है एक पिज्जा और एक बर्गर कुछ कहना चाहोगे कुछ ना कहना मुझे लो जी बातों, बातों ही में हम पहुंच गए हैं योर स्टोरी के स्टूडियो और ये हैं रजत जी जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूं और जबरदस्त बोलते हैं ये दोस्तों गेट खुलने से पहले मैंने खुद भी नहीं सोचा था कि मैं प्रतीक्षा जी से इतना क्लोजली मिलूंगा जिनका ललन टॉप पर एंकरिंग का मैं फैन था हेलो प्रतीक्षा है, कैसे हैं आप मैं अच्छी हूं आई एम सॉरी आपके लिए इस कॉल इट्स ओके मैं समझ गया था ओके okay. और मैंने सुना है प्लीज प्लीज ओके सॉरी मुदस्सिर मेरे एडिटर आपको शुरू बताया था मैं योर स्टोरीज के सेटअप पर और यहाँ पर मुझे लगा कि यार तो जरूर आपको दिखाना चाहिए लेकिन उससे पहले एक जाना माना चेहरा मैं आपको दिखा देता हूँ जिन्होंने इस इंटरव्यू को होस्ट भी किया है प्रतीक्षा प्रतीक्षाई थैंक यू सो मच so बहुत अच्छा आपने होस्ट किया और जबरदस्त आपने मजा आया बहुत ज्यादा मजा आया इंटरव्यू और चलिए देख लेते हैं क्योंकि ये अभी दिल्ली में 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 हाल ही हुआ है. है जो वो जी हमारा दफ्तर जो है वो बेंगलोर से ही चलता है पूरे okay. तरीके से और ये हमारी हिंदी टीम है जो यहाँ नोएडा में बैठती है okay. और uh, टीम में 10-15 लोग हैं. जिसमें से कई सारे लोग छुट्टी पर है okay. और ये हमारी आ, ये हमारा वो एरिया जहाँ हम शूट कर रहे थे इनफैक्ट ये जो दो दो कुर्सियां ये जो दो प्यारी प्यारी कुर्सियां हैं ये इसके साथ में हमारे माइक वाइक पड़े हुए ये मेरी चीट शीट है जिसमें मैं अपना सवाल लिख लेती हूँ ताकि मैं कुछ भूलू नहीं इसमें बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिन्होंने मुझे डराया भी और हंसाया भी ओके सो बाय द वे ये हो गया स्टूडियो एरिया जहाँ पर अभी शूट हुआ था सो uh, so प्रतीक्षा uh, वो प्लीज आप मुझे जरूर दिखाइएगा हाँ, कि वहाँ जरूर, क्या जरूर। है ये सॉरी uh, लाइट यहाँ पे बहुत कम है okay. uh, और ये आपके स्टूडेंट्स को थोड़ा डार्क दिख रहा होगा जी. ये हमारी टीम यहाँ है टेक्स्ट की टीम वाँ. बहुत सारे लोग यहाँ हैं जो सब लोग स्टोरी करते हैं आप उनकी आवाज हाँ, नहीं, नहीं सुन पाएंगे <laughs> क्योंकि उनको माइक नहीं लगा हुआ है बट ये विशाल है विशाल आप वेव कर सकते हैं ऐसे और वो अनुज है ये रितिका है बाकी हमारी काफ़ी सारी टीम छुट्टी पे है तो आप उनसे नहीं मिल पा रहे हैं यहाँ से ढेर सारी स्टोरीज होती हैं बहुत मेहनत करने वाले लोग हैं हम मेरे जैसे लोगों के हम तो कैमरे पे आके भगभ भगभग शुरू हो जाते हैं बट बहुत सारा जो लिखाई पढ़ाई का सीरियस काम है वो इस कमरे से होता है ये हमारा छोटा सा प्यारा सा स्टूडियो है अगर आप योर स्टोरी हिंदी को फॉलो करते हैं तो आपने शायद इसे देखा हो मतलब इसे तो नहीं देखा होगा यहाँ शूट हुए वीडियोस को देखा होगा मैं चप्पलें उतार के घुसती हूँ इसलिए नहीं क्योंकि मतलब ऐसे बोलते हैं कि आपके काम की जगह मंदिर होती है बट मैं इसलिए चप्पलें उतारती हूँ क्योंकि हमारे जो उस्ताद हैं मनोज जी वो बोलते हैं स्टूडियो में बिल्कुल भी गंदगी नहीं जानी चाहिए <laughs> तो ये है हमारा स्टूडियो जो बहुत बिखरा हुआ है अगर आपने नहीं देखा हो तो ये टेलीप्रॉम्प्टर है अगर आप लोग <laughs> सोचते हो जो भी आप आप लोग अगर सोचते हो कि जो न्यूज रीडर्स होते हैं वो न्यूज कहाँ से कैसे पटपट पटपट पढ़ पट 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 देते हैं तो वो बिल्कुल भी अपनी याददाश्त से नहीं पढ़ते हैं ये एक टेलीप्रॉम्प्टर होता है ये तो छोटा वाला है न्यूज चैनल्स में बड़ा वाला लगा होता है और इससे ही वो पढ़ते हैं इसके पीछे कैमरा लगा so होता है और ये सीक्रेट ऑफ एंकर्स एनर्जी यस दिस इज द सीक्रेट ऑफ एंकर्स एनर्जी बट आपके जो टीचर हैं सरताज सर, वो बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। <laughs> तो आप उनकी एबिलिटी पर डाउट मत करिएगा रियली ब्यूटीफुल और बहुत साउंड प्रूफ है और मज़ा आ रहा है यहाँ पे क्योंकि शूट करने का अपना एक अलग ही मजा होता है ग्रीन स्क्रीन पे और यहाँ पर बहुत प्यारा सेटअप अभी लाइट्स जो थी मुझे बताया आपने कि बाहर जो मूव कर दी गई हैं So, बहुत प्यारा है और मैं यहाँ मुझे तो सच में बहुत अच्छा लगा और स्पेशली प्रतीक्षा के साथ जब हमने शूट किया तो क्या एनर्जी थी कितने अच्छे से इन्होंने क्योंकि प्रोफेशनल है तो मैं सच में मुझे बहुत मजा आया यहाँ पे